कुछ नहीं कर रही। हाँ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय थोड़ा पीछे हल्का सा थोड़ा आप काय। हाँ बस इतने सही आप आना, कोई दिक्कत नहीं। हल्का इतना जाना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग विद हरजीत। आज हमारे यहाँ आज हम अपने ट्राइपॉड से वीडियो बना रहे हैं और मेरे यहाँ आज चैलेंज डे है। येलो कलर का चैलेंज रखा गया है। हम दोनों लोग, मेरा बेटा और हम, येलो कलर का कपड़ा पहनेंगे, येलो कलर का खाना पीना, मतलब दिन भर येलो कलर में ही दिखेंगे आपको, खाने से लेकर पहनने तक। और जो भी गेस्ट को बुलाएंगे ना, बोल देंगे उससे कि, मतलब जो मेरे फ्रेंड लोग अगल बगल जो हैं, कि आज येलो कलर में मेरे घर पर आइएगा। और जो लड़कियाँ भी रहती हैं, सबसे यही सोचा है हमने। देखो दिन भर में मेरा कैसे कैसे सूट हो पाता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं गाइज आप लोगों से फिर। तो गाइज मैं इसलिए यहाँ पे स्टॉप ले ली थी क्योंकि मेरे छत के ऊपर से प्लेन जा रही थी, तो आवाज़ उस पर थोड़ा सा अच्छी से ना आती, इसलिए। तो स्टार्ट होने जा रहा है मेरा येलो कलर का चैलेंज। फर्स्ट टाइम हम चैलेंज करने जा रहे हैं किसी कलर के। भाग, भाग। तो गाइज आप लोगों ने देखा, हम लोगों को चैलेंज वीडियो शुरू हो गया है और यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। काफ़ी कपड़े हो गए थे सेटिंग करने के लिए, पड़े थे, तो वही सेट करने जा रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ ये भी बता दूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं किया है। जितना मैंने वीडियो शूट किया है ओरिजिनल सब डाल दिया है, कुछ भी कट नहीं किया है। कुछ भी बोले हों, बेटा बोला हो या मैं बोली हूँ, तो थोड़ा सा फ़नी वीडियो है, तो आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है। बोरियत नहीं लगती है, रियल रियल का पूरा दिख रहा है कि हाँ जो भी हम लोगों ने दिन भर में किया है। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा ऐसे। बहुत बन गया, मेरे कपड़े सारे फोल्ड हो गए। पहले देख के आवाज कहाँ से बन रहा है, हटो। नहीं बन रहा है, या यहाँ खड़ी थी, वही तो मैं ऐसे अरे मुंडी ने आप ऐसे रख लो ना, देखो यहाँ पे रखी, हटो हटो सामने से। अब यहाँ आओ, वो शीशे के सामने देखो कितनी मुंडी आ रही है। मुंडी आपकी कट रही, ये इतने पे आएगी। हाँ तो बोलेंगे उतनी दूर से हवा नहीं आएगी, तो आप उसको पास कर सकते हो। ऊंचा कर लो जैसा करना था। तो गाइस मेरे कपड़े सारे फोल्ड हो चुके हैं, अलमारी में मैंने रख दिया है। और मेरे पास ये दो झाड़ू है, अब बताइए मैं कौन सी झाड़ू लगाऊं। येलो कलर है, येलो आज मेरा कोड रखा गया है कि येलो ही करना है। येलो कलर की झाड़ू मैं यूज़ करूँगी आज, मैं पूरा घर से साफ करूँगी, इसको मैं रख दे रही। येलो कलर की झाड़ू भी तो बहुत मिली, नहीं तो मैं झाड़ू भी मंगवाना पड़ता ना। ए येलो कलर का मग्गा मग्गा मंगवा ली, बाल्टी मग्गा येलो कलर के गाइस। साबुन भी लगा कुछ भी लिया हो आप, चाहे जैसे मैनेज करो। पानी में हल्दी डाल लेंगे थोड़ा सा, तो गैस पानी में हल्दी डाल देंगे, थोड़ा येलो येलो कलर हो जाएगा। आज तो येलो कलर मैंगो सेक वगैरह पीने बड़ी मजा आएगी। येलो कलर के पोछा भी होना चाहिए ना, येलो कलर का पोछा भी होना चाहिए। हमारी टी शर्ट तो देख दी है, उसी पे लगा देती। अरे लगा दे यार, इतना ना करो। जहां तक कोशिश करो कि सब कुछ है, तो येलो कलर में तुम्हें पेंट नहीं कर दे सही दी। तो गाइस मेरी अलमारी खुल चुकी है, येलो कलर का कपड़ा ढूंढने जा रहे हैं। और रीत के पास नहीं है, तो मैंने सोचा रीत को मैं ये टी शर्ट पहना दूं, क्योंकि इनके पास येलो कलर की टी शर्ट थी, लेकिन वो होली खेल डाली। तो मैंने सोचा है कि ये मेरी थी, तो इसको चुपके से पहना दूंगी, बताऊंगी नहीं कि लड़कों की है लड़कियों की। तो ये रही रीत की, मेरे बेटे की, ब्लैक पैंट पे पहन लेगा तो चल जाएगी। जेनी अगर देख रही तो जेनी बताना रही थी टी शर्ट के, ये रही रीत की। और मेरे पास तो ऑलरेडी येलो कलर का बहुत सारा आइटम है। ये मैं तो
पहन लो यार, ये तो तब भी लड़की वाले लग रही है, तो तुम बिल्कुल प्लेन है। तो गाइस आप लोग बताइए दोनों में रीत कौन सा पहने, रीत को मैं कौन सा पहनाऊं? ये देखिए आप लोग बताइए, देखिए ये पहनाऊं रीत को या फिर ये। अब आप लोग इसमें दोनों पहनाऊंगी, दोनों में से एक रीत पहनेगा एक मम्मा पहनेगी, दोनों लोग ब्लैक पैंट और ये। एक कहीं चिल्लाई तो गाइस कपड़ा मिल चुका है, साड़ी हो गई क्लोज और ब्लैक पैंट हो गई है। तब जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो गाइस चैलेंज के अनुसार मेरे यहाँ येलो कलर का फ्रूट आ गया है मैंगो। मैं इतना टाइट बांधे थे तो ये देखिए मैंगो टोकरी में मैंने मैंगो रख दिया। तो ये रही मैंगो, येलो कलर का मैंगो हो गया, येलो कलर की टोकरी हो गई, इसमें इसको मैंने रख दिया है। अब इसको छील के बनेगा मैंगो शेक। और क्या आया येलो कलर का दिखा दूँ मैं आपको, दिखा देंगे। येलो कलर का बिस्किट भी आ गया है, येलो कलर की मैगी भी आ गई है, ये बनेगा मेरे यहाँ। मतलब 4-5 बजे वाला जो नाश्ता होता है छोटी मोटी भूख वाला, तो ये मैगी बन जाएगी। और बाकी जो और भी जो होगा भी बाकी आपको वीडियो में दिखाएंगे। येलो कलर का और क्या हमने खाने पीने का बनाया है, बने रहेगा मेरे वीडियो में। तो गाइस ये देखिए सोयाबीन एक पैकेट लेने पे ये कटोरी बाउल इसकी टिस्ट देने के लिए गेस्ट को मस्त मिली है फ्री में। येलो कलर भी नहीं है लेकिन तो गाइस हम नहा के रेडी हो गए हैं। ये देखिए येलो कलर की टी शर्ट पहन लिए हैं, आज येलो कलर का हम लोगों का चैलेंज डे है। ये देखिए मेरे बाल गंदी सी हो गए, मेरे बाल। अब मैं अपने बालों में कैरेटिंग करूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल मैं खुद होममेड बनाऊंगी कैरेटिंग करने का लिक्विड, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बालों में कैसे घर पे कैरेटिंग की जाती है। चले कुछ अपने फेस पे लगा लें, तो फेस पे मैं लगाती हूँ ये। और ये भी देखो नहावा के रेडी हो गया है, येलो कलर का मिल गया इसको भी, नहीं तो यही पहनाते, यही वाला जो हम पहने ना ये इसके लिए पसंद करके रखे थे, यही वाली टी शर्ट पहन लेता भी था, इसको पता नहीं चल रहा था, ये इसको मैं बोल दी थी कि ये लड़कों वाली ही है तो इसको पता नहीं, ये देखिए येलो कलर का ये भी पहन लिया है, भी पहन लिया है। और नीचे ग्रीन इसका भी है मेरा भी है, दोनों लोगों को मैच कर रहा है। तो आप लोग भी अगर ये पॉन्ड्स की क्रीम लगाइएगा मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छी क्रीम है। गाना सुनने के बाद याद नहीं आ रहा, तो सुपर लाइट जेल आप लोग लगाइए पॉन्ड्स की, बहुत अच्छी क्रीम होती है, लगा के ट्राई करिएगा, देखिएगा बहुत अच्छी क्रीम। हाँ ये गाना सुने थे आधा लाइन याद नहीं आ रहा, बताओ हम बताएं। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी। मैंने लगा लिया डियो और ये थोड़ा सा लिक्विड सिंदूर, और उसके बाद मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे कंघी थोड़ी सी जल्दी जल्दी, उसके बाद चलो मैं बना लूँ नाश्ता। तो गए आज हम लोगों को नाश्ता में देर हो गया क्योंकि आज हम लोग सफाई करने लगे थे थोड़ा, तो इसलिए हो गई देर। तो चल रहे हैं अभी बनाएंगे नाश्ता, उसके बाद लंच भी दिखाना है येलो कलर में क्या क्या बनेगा,
बहुत लंबा टास्क हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप लोग भी करेंगे तो मजा आएगी। बाल बाल झाड़ लो, इसको तुम भी लगाते हो क्या? अच्छी ये मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया रख लिया, तो ये मेरा हो गया जोड़ा, ये मेरा क्रिकेट है, तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ सिर्फ जोड़ा गर्मी में, क्योंकि जोड़ा ज्यादा आरामदायक होता है, गर्मी के बाल वाल नहीं होता। उसके बाद बस उसके बाद क्या लगाऊँ, छोटी सी बिंदी लगा लूँ, मुझे अपनी ड्रेसिंग सही करनी है। गाइज मुझे रोज ड्रेसिंग सही करनी पड़ती है, रोज डेली, क्योंकि बनाते रहते हैं रील्स वगैरह ना, तो इसमें खड़बड़ हो जाती है। मैं इसमें लगा ले रही हूँ, ये देखिए छोटी सी बिंदी, इतनी छोटी है कि मेरे नाखून में घुस जाती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ छोटी सी बिंदी, इतनी छोटी सी, और यहाँ पे मैं लगा ले रही लिप बॉम, लिपस्टिक में नहीं लगाती हूँ, लिप बॉम लगाती हूँ। गाइस घर में लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, फिर लिप बॉम लगा लेते हैं तो बढ़िया रहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा हो जाता है, कहीं जाना होता है तो मैं लगाती हूँ लिपस्टिक, नहीं तो नहीं लगाती। तो हो गई मैं रेडी, अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से किचन में। तो यहाँ पे मेरी बन रही पूड़ी और सब्जी, येलो कलर की सब्जी हो गई आलू टमाटर की, और ये पूड़ियाँ, इसलिए नाश्ते में मेरा सब्जी पूड़ी। बज गए हैं 10:30, लोगों को लग गई भूख। ये मेरे पीले कटोरे में बाउल है छोटा सा पीला, और इसमें मैंने रख दिया पूड़िया और सब्जी। ये देखिए इसमें एक रीत का हो गया, एक रीत खाएगा एक हम खाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी फिर स्पून से डाल लेंगे, जैसे सब्जी तो ये है ही है, ज़रूरत पड़ेगी स्पून से डाल लेंगे, बट खाएंगे इसी में हम लोग, क्योंकि आज येलो कलर जो भी मिलेगा सब यूज कर डालेंगे। नहीं तो हमारा था तो तुम भी खाओ ना। तो गाइस ये देखिए खाने में ये सब्जी और ये पूड़ी, ये देखिए गाइस यहाँ पे हम फ्राई कर ले रहे हैं अभी सोयाबीन, उसके बाद ये रही मटर और आलू तहरी में डालना है, ये रहा मेरा टमाटर और ये चावल, अभी मैं बना रही हूँ तहरी, क्योंकि येलो कलर सब होना चाहिए इसलिए मेरा येलो कलर की तहरी तैयार हो रही है। अभी बन जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी तहरी कैसे बनी है। तहरी तैयार हो गई है येलो कलर की तहरी, अब हम लोग येलो कलर में आ गए ना, दिन भर आज चलेगा, देखो भगवान कहाँ रेड आएंगे बस, उनको येलो होना है। ये देखो येलो कलर में पहना बैठा है। तो गाइस ये देखिए ये टाइम हो रहा है हम लोगों का, बज गए हैं 5:05, ये हम पी रहे हैं मैंगो शेक और ये नमकीन, ये देखिए येलो कलर की नमकीन और ये मैंगो शेक, और ये हम दोनों लोगों का है, लेकिन बेटा मेरा बाहर गया, पता नहीं कहाँ चला गया, आ जाओ तो आ जाए तो भी पी ले। और एक चीज गाइस बता दूं, मेरे यहाँ तहरी ज्यादा रखी हुई है तो इसलिए हम लोग डिनर में वही खा लेंगे, क्योंकि तो ज्यादा बच गई, हम दो ही लोग रहते हैं तो दो लोगों में ज्यादा बच गई थी, तो ये हम लोग खा लेंगे रात में, और ये 5 बजे का भी छोटी मोटी भूख वाला नाश्ता।
सो के उठो गाइस को भूख लग जाती है, तो मैंगो शेक बनाया और दोपहर में भी बेटे ने मैंगो शेक भी पिया था और ज़्यादा बना हुआ था, मैंगो भी खा लिया था, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं है। तभी हम लोग लंच में जो तहरी खाए हुए थे वही डिनर में भी खा लेंगे। तो हम लोगों को चैलेंज कंप्लीट हो गया है लगभग। तो गाइज बज गए हैं 9 और हम लंच डिनर कर चुके हैं। वही तहरी बची थी, थोड़ी सी तहरी मुझे खानी थी इतनी सी, मैंने कटोरी में लेके तहरी खा लिया। और मैं रात में लगाती हूँ ये नाइट क्रीम, तो सोने से पहले मैं इससे मसाज करके ही सोती हूँ डेली। कुछ चीज़ें मैं कैमरे पे भी नहीं बताती हूँ लेकिन लगाती हूँ। मैं स्किन केयर और हेयर केयर बहुत करती हूँ, मैनीक्योर पेडीक्योर, पैरों की केयर हो गई और अपने बालों की हो गई, मैं ये सब चीज़ शुरू से करती हूँ। आज नहीं, मैं शुरू से, मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले से ही मैं ये सब चीज़ करती रहती थी। कोई ये नहीं कि मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो अब आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा करती थी, मैं भी एक ब्यूटिशियन हूँ, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है, तो मुझे शौक़ भी है, मैं शुरू से केयर करती हूँ हर चीज़ का, मुझे बहुत शौक़ है। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते रहेंगे आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे अच्छे वीडियो में, चैलेंज वीडियो में। और आगे आप ये बताइएगा कि कौन सा चैलेंज वीडियो हम बनाएं, तो जो भी आप तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।